वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली का एक मेंबर जिसको कहते हैं ई कोलाई, और आज हम डिस्कस करेंगे साल्मोनेला के बारे में। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीजेला, एंड दिस टू आर नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सो वी विल नॉट डिस्कस देम। एंटेरोबैक्टीरियासी फैमिली एज द नेम सजेस्टिंग, जैसा कि नाम में बताया जा रहा है, एंटेरो मीन दे आर रिलेटेड टू GIT मीन गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड है, और ये वहीं पे इन्फेक्शन करेंगे आपके गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में। देन साल्मोनेला इज क्लासीफाइड बाय, साल्मोनेला की स्पीसीज को क्लासीफाई किस मेथड से किया जाता है ये बस आपको नाम याद रखना है, कॉफर्स वाइट स्कीम। ये कभी कभी आपको MCQ के तौर पर पूछ सकते हैं, कॉफमैन वाइट स्कीम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी, कल्चर, बायोकेमिकल रिएक्शंस, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, टॉक्सिन्स विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस। तो पहले आते हैं हम मॉर्फोलॉजी की तरफ। मॉर्फोलॉजी में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, एंटेरोबैक्टीरियासी के सारी फैमिली मेंबर जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज है। क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। ग्राम स्टेनिंग में ये हमेशा कौन सा कलर देंगे? पिंक कलर। विच कलर? दे गिव पिंक कलर इन ग्राम स्टेनिंग, और इनकी जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी, पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होगी, थिन होगी और पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होगी, सॉरी फॉर। मोटाइल होते हैं, सारे ही मोटाइल होते हैं, एक्सेप्ट दो स्पीसीज है जिसका आपको नाम याद रखना है जो मोटाइल नहीं होती, गैलिनेरम एंड पुलोरम। ये दिस इज एन आर, पुलोरम। देन इसके बाद ये है पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस फ्लेजिला मीन होता है, ये साल्मोनेला स्पीसीज है। इसके जो फ्लेजिलाज है वो आपको पूरे बॉडी पे दिखेंगे, पूरी सेल में वॉल पे आपको फ्लेजिलाज दिखेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं पेरीट्राइकस फ्लेजिला। पेरीट्राइकस फ्लेजिला और कहाँ थे? ई कोलाई में, पिछली वीडियोज में हमने डिस्कस किया था, उनके भी जो थे वो पेरीट्राइकस फ्लेजिला थे। फिर आते हैं हम कल्चर के ऊपर। कल्चर में यहाँ पे तीन दे रखे हैं, डीऑक्सीकोलेट अगार, ज़ाइलोज़ाइसिन डीऑक्सीकोलेट, एंड इनरिच मीडिया जिसका नाम है सेलेनाइट एफ ब्रोथ। ये लेस इम्पॉर्टेंट है पर आपको नाम याद रखना है। इसके बाद जो मीडिया है ये सबसे बेस्ट सिलेक्टिव मीडिया है साल्मोनेला के लिए, विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया, आप देख सकते हैं इस फोटो में भी। साल्मोनेला यहाँ पे जेट ब्लैक कलर की कॉलोनी दिखेगा, ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है ये सारी कॉलोनीज है साल्मोनेला की, ड्यू टू H2S सिक्रेशन के कारण। कुछ स्पीसीज जो होती है वो नहीं देगी, जैसे कि है साल्मोनेला पैराटाइफी ए, ये सिक्रेट नहीं करती है H2S और ये देगी ग्रीन कलर। तो साल्मोनेला के लिए जो बेस्ट सिलेक्टिव मीडिया है वो है विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया। फिर आते हैं हम बायोकेमिकल रिएक्शंस पे, जो कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, और ये मैकोम की अगर मैं आपको कलरलेस कॉलोनी देंगी, अगर लैक्टोज फर्मेंटिक कॉलोनी होती तो ये पिंक कलर देते, पिंक अगर लैक्टोज फर्मेंटेशन करते हैं, अब ये लैक्टोज फर्मेंट नहीं करते हैं इसीलिए ये आपको कलरलेस कॉलोनी देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी येलोइश दिख रही है पर इसे हम कलरलेस डिनोट करते हैं। अब आते हैं एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पे। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ईकोलाई की तरह ही है, एच एंटीजन जो कि फ्लेजिलर एंटीजन है, सोमेटिक एंटीजन ओ एंटीजन और VI एंटीजन जो कि सरफेस एंटीजन है, ये दोनों आपको दोनों में का सारे मेल मिलेंगे सारे स्ट्रेंथ में। फ्लेजिलर एंटीजन हीट लेबल है, मीन ये हीट से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सोमेटिक एंटीजन हीट स्टेबल है, हीट से डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सरफेस एंटीजन फाउंड इन सम स्पीसीज, कुछ ही स्पीसीज में मिलेगा साल्मोनेला की। ये है के एंटीजन की सिमिलर, इसकी अगर हम बात करें तो एक के एंटीजन कॉलोनी फॉर्म बैक्टीरिया की तरह है और ये भी हीट लेवल है, मीन हीट से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ये आपके लिए है, ये है आपका एच एंटीजन जो कि फ्लेजिला पे है, ये है ओ एंटीजन और ये है वी जो कि कुछ ही स्पीसीज में आपको देखने को मिलेगा। टॉक्सिन्स मैंने पहले भी कहा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये एंडोटॉक्सिन सिक्रेट करता है जो कि एक लाइपोपोलीसेक्रेट है।
जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस, फर्स्ट पैथोजेनेसिस इसकी है, ये कॉज करेगा एंटेरिक फीवर, टाइफॉइड फीवर, इसे एक और नाम कहा जाता है टाइफॉइड फीवर, और इसमें ही इंक्लूड होगा पैराटाइफॉइड फीवर, जो कि पैराटाइफॉइड के द्वारा होगा, और टाइफॉइड फीवर टाइफॉइड के द्वारा होगा। इसका फीको ओरल रूट होगा, लेकिन आप खाने के साथ इसे लोगे, इंटेस्टाइन में जाके ये अटैच हो जाएगा एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन से। अटैच होने के बाद ये न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस के द्वारा इंगल्फ हो जाएगा, बट ये मरेगा नहीं वहाँ पे। जैसे ये न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर ही बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दे रीच टू लिम्फ नोड। कहाँ पे जाएंगे? मल्टीप्लाई एंड इंटर द लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड के अंदर जाने के बाद ही ये ब्लड में जाएंगे, और जैसे ही ब्लड में जाएंगे ये आपको सिम्टम अपीयर करेंगे। क्या होते हैं सिम्टम? जैसे कि फीवर वगैरह। तो खाने में लेने से और सिम्टम अपीयर होने में आपको कितना दिन लगेगा? 7 to 14 days। इसी पीरियड्स को हमने कहा है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 7 to 14 days। सालमोनेला मल्टीप्लाई इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि बाइल जो होते हैं वो होता है एक गुड कल्चर मीडिया। बाइल एक अच्छा कल्चर मीडिया है, और ये इंटेस्टाइन में सिक्रेट होंगे बाइल के थ्रू, और वहाँ पे टाइफॉइड अल्सर कोस करवाएंगे। कहाँ पे? इंटेस्टाइन में, जो तो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है। जिस तरह से ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में अगर इस तरह से अल्सर होते हैं तो ये ट्रांसवर्स है, जबकि ऐसे जो लॉन्गिट्यूडनल अल्सर ये कोस करवाएंगे। इसमें आपको रोज स्पॉट दिखने के मिलेंगे, आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसकी मैंने इमेज आपको दिखाई है, रोज स्पॉट। फीवर जो होगा वो स्टेप लेडर पैटर्न का होगा, मीन समझ लीजिए बेस है आपका नॉर्मल, फीवर में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो आपको टेम्परेचर इस तरह के से कुछ दिखेगा, कभी कम होगा फिर स्टेप लेडर पैटर्न में फिर राइज होगा। डायरिया जो कॉज कराएगा वो होगा पी सूप डायरिया, आपको ये टर्म याद रखनी है, पी सूप डायरिया। सेकेंड जो ये कॉज करता है वो है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया मीन ब्लड का इन्फेक्शन, जो कि हमने पढ़ रखा है। जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो करेंगे वो है सालमोनेला कॉलेरा स्विस एंड सालमोनेला पैराटाइफी सी। देन दे कॉज गेस्ट्रोएंटेराइटिस, उसमें आएंगे बैक्टीरिया सालमोनेला टाइफीमोरियम एंड सालमोनेला एंटेराइटिस। सालमोनेला टाइफीमोरियम जो है वो कैन इंटर इंटेक्ट एग सेल। देन वी विल डिस्कस अबाउट लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम करेंगे जो कि आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, आपको स्पेसिमेन लेना है और बैक्टीरिया आइसोलेट करना है। तो सबसे अच्छा क्या स्पेसिमेन लेना चाहिए आपको? फर्स्ट वीक में आपको ब्लड कल्चर लेना चाहिए। अगर फर्स्ट वीक में आप ब्लड कल्चर लेते हो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। सेकेंड वीक में आपको जो लेना चाहिए वो है विडाल टेस्ट, माफ करना फिर इंटरप्शन हो पीछे वॉइस की। तो सेकेंड वीक में आपको जो करना चाहिए वो विडाल टेस्ट होता है, क्योंकि एग्लूटिनेशन रिएक्शन अच्छा होता है, इसमें एंटीबॉडीज जो है वो अच्छा करना स्टार्ट हो जाती है सेकेंड वीक में। थर्ड वीक की बात करें हम तो स्टूल कल्चर, क्योंकि वो बाइल के थ्रू स्टूल में सिक्रिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फोर्थ वीक में हम यूरिन कल्चर, यूरिन में भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। फोर्थ वीक में हम यूरिन कल्चर भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आप ये याद रख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है BASU। बी से ब्लड कल्चर, ए से एग्लूटिनेशन, एस से स्टूल कल्चर एंड यू से यूरिन कल्चर, बासु नाम से आप याद रख सकते हैं। देन अब हम आते हैं विडाल टेस्ट, जो कि एग्लूटिनेशन टेस्ट है।
ये जो टेस्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। विडाल टेस्ट इज हाईली सेंसिटिव एंड पुअरली स्पेसिफिक। हाईली सेंसिटिव मीन अगर थोड़े से भी बैक्टीरिया होंगे तो ये सेंस कर लेगा, बाकी पुअरली स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि ये कभी कभी गलत भी पॉजिटिव दे देता है, काफ़ी दूसरी चीज़ें भी इसे पॉजिटिव ला सकती है। तो कब कब ऐसा फॉल्स पॉजिटिव्स आ सकते हैं, वो है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एक डिजीज का नाम है, मलेरिया और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, ये भी एक डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ये तीन चीज़ें जिसमें आप याद रख सकते हैं, सिम से SLE, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एंड मलेरिया, हाईली सेंसिटिव एंड पुअरली स्पेसिफिक। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज जो कि सिक्रीट हुई होगी टाइफॉइड के अगेंस्ट, एच एंटीजन और ओ एंटीजन जो कि सालमोनेला में होते हैं, उसके अगेंस्ट आपको ब्लड में एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है। तो कब स्टार्ट फॉर्मिंग, स्टार्ट फॉर्मिंग एट द एंड ऑफ 1 वीक, जैसा कि हमने कहा था सेकेंड वीक में हम टेस्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट फॉर्मिंग एट द एंड ऑफ 1 वीक, पहले हफ्ते के बाद ब्लड में एंटीबॉडीज आना स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे शार्पली राइज होगी, 3rd वीक में ये सबसे ज़्यादा होगी। हम इसमें चेक करते हैं इंटरवल पे, जैसे कि हमने आज किया है, उसके 7-8 दिन बाद, 7 से 10 दिनों बाद एक और बार टेस्ट लगाते हैं और हम देखते हैं कितना राइज हुआ है एंटीबॉडीज़। हम एंटीबॉडीज़ की क्वांटिटी चेक करते हैं, हम इसमें एक ही बार टेस्ट नहीं लगाते हैं, हम राइज ऑफ एंटीबॉडीज लगाते हैं दो चेक करके, आज लगाया 7 से 10 दिनों बाद फिर से लगाया, उसके बाद कंपेयर करा कितना इंक्रीज हुआ है। तो देर इज 3 to 4 fold इंक्रीज, मतलब 3 से 4 जो थे आपको एंटीबॉडीज बढ़े हुए दिखेंगे, तभी हम उन्हें पॉजिटिव मानेंगे। अब प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरह से टेस्ट करते हैं। एच एंटीजन टेस्ट करने के लिए हम रेयर्स ट्यूब लेते हैं जो कि नीचे से कॉनिकल है, कॉनिकल बॉटम। अगर यहाँ पे एग्लूटिनेशन होता है तो आपको किस तरह का दिखेगा, कॉटन वूल क्लम्प की तरह एग्लूटिनेशन दिखेगा। हमने सीरम लिया है या ब्लड लिया है, इसमें एंटीबॉडीज होंगे जो कि हमारी बॉडी ने सिक्रीट किया होंगे, और इसमें हमने डाला है एंटीजन एच। एंटीजन एच इस एंटीबॉडी जो कि एच एंटीजन के अगेंस्ट है, इसके साथ मिलके कोएगुलेट होगी और कॉटन वूल क्लम्प बनाएगी और ये पॉजिटिव कहलाएगा। एंटीजन ओ के लिए हम टेस्ट करते हैं फेलिक्स ट्यूब में जो कि राउंड बॉटम होता है। सीरम डाला, अगर पॉजिटिव होगा तो ये होगा ग्रेन्यूलर डिपॉजिटेड बॉटम, यहाँ पे बॉटम में डिपॉजिट्स आएंगे और उसमें कॉटन वूल क्लम्प की तरह डिपॉजिशन आपको दिखेगा। एंटीजन ओ हमने डाला इसमें। कौन कौन से एंटीजन के लिए हम टेस्ट लगाते हैं, तो टाइफॉइड के लिए हम दोनों एंटीजन के लिए टेस्ट लगाते हैं, एच और ओ, जबकि पैरा टाइफॉइड के लिए हम सिर्फ एच से लगाते हैं। पैरा टाइफॉइड ए के लिए एच, तो पैरा टाइफॉइड ए का एच, पैरा टाइफॉइड बी का एच। ओ टाइटर आपको ज़्यादा दिखना चाहिए 1:100 में, और एच टाइटर 1:200 होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तभी हम सजेस्ट करेंगे ये एक्टिव इन्फेक्शन है। एच एंटीजन को ही हम फ्लेजुलर एंटीजन कहते हैं और ये ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है, मीन अच्छा खासा एग्लूटिनेशन करता है। ट्रीटमेंट के लिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, जो कि आप आपके फार्मेकोलॉजी में पढ़ सकते हैं, 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जो कि सेल वॉल को अफेक्ट करते हैं।